मेवात की बेटी बनने जा रही हैं पहली साइंटिस्ट। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। मेवात के बेटे और बेटियाँ अपनी काबिलियत से देश विदेश में लोहा मनवा रहे हैं। ऐसी युवा में एक है शिफा, जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की 2024 की परीक्षा में नेशनल जनरल कैटेगरी में 1147 और OBC में 31 रैंक हासिल कर बड़ा कारनामा किया है। बता दें कि नूह जिले के रहना गांव के शिफा पुत्री मुस्तफा अहमद ने 12वीं CBSE बोर्ड में 93.4% अंक और नीट 2024 की परीक्षा में पहले प्रयास में 669 नंबर हासिल कर जता दिया था कि उनकी उड़ान बहुत ऊंची है। शिफा इस साल जहां भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान 2024 की परीक्षा में पूरे भारत में 1147 रैंक हासिल कर मेवात और अपने परिजनों का नाम रोशन किया, वही इस परीक्षा में देश भर के करीब 2 लाख बच्चों ने भाग लिया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए केवल 200 बच्चों का सिलेक्शन होना है। शिफा को OBC के साथ जनरल कैटेगरी से भी सिलेक्शन होना तय है, यानी शिफा मेवात की पहली साइंटिस्ट बेटी बनने जा रही है। शिफा के पिता मुश्ताक अहमद का कहना है कि वो शुरू से होनहार लड़की है, 12वीं में 95% अंक हासिल किया। शिफा ने IISCI जैसी कठोर परीक्षा पास कर परिवार इलाके का नाम रोशन किया है, ये बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा मेवात की बेटियां लड़कों से आगे निकलकर हर फील्ड में अपनी उपस्थिति दिखा रही हैं। शिफा ने गर्व से उनका सर ऊंचा कर दिया है। मेवात का नाम रोशन करने पर उनके टीचर्स का भी विशेष शुक्रिया अदा करते हैं। शिफा का कहना है कि वो अपनी पढ़ाई का श्रेय अपने टीचर्स और अपने माता पिता को देना चाहेंगी। वो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की तरह मेवात और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। समाज सेवी आबिद दासी बास का कहना है कि शिफा उनकी भांजी है, वो बहुत होनहार लड़की है, शांत स्वभाव की शिक्षा में उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।